क्योकुशिनकाई, इसे फुल कॉन्टैक्ट कराटे भी कहा जाता है। ये अपनी टफनेस के लिए जाना जाता है। इसके मैचेस में सिर्फ गम गार्ड और ग्रोइन गार्ड ही अलाउड होते हैं। कुछ मैचेस में हेड गार्ड भी अलाउड होते हैं। फेस और नेक पर पंच रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इसके मैच बेयरनकल मैच होते हैं, यानी बिना ग्लव्स के फाइट होती है। इसमें पूरी पावर से स्ट्राइक करा जाता है और ज्यादातर मैचेस नॉकआउट से खत्म होते हैं। इसके 100 से भी ज्यादा देशों में 125 करोड़ से भी ज्यादा प्रैक्टिशनर्स हैं। इसे और बारीकी से समझने के लिए इसके फाउंडर मसुतात्सु ओयामा के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ओयामा का जन्म 27 जुलाई 1923 को साउथ कोरिया के गिमजेशी नाम के शहर में हुआ था। उस वक्त कोरिया में जापान का राज था। इनका पैदाइशी नाम चोई योंग यूई था। इन्होंने 8-9 साल की उम्र में चाइनीज मार्शल आर्ट्स को सीखना शुरू करा। 15 साल की उम्र में जापान आए और अपना जैपनीज नाम ओयामा मसुतात्सु को इस्तेमाल करना शुरू करा। सन 1930 में इन्होंने ग्रेट ग्रैंड मास्टर गिचिन फनाकोशी के बेटे योशिताका फनाकोशी से शोतोकान की ट्रेनिंग लेना शुरू करा। नवंबर 1940 में ही योशिताका की डेथ हो गई। बाद में इन्होंने 2 साल ग्रेट ग्रैंड मास्टर गिचिन फनाकोशी के अंडर भी ट्रेनिंग ली। फिर इन्होंने कुछ सालों तक गोजुरियो की ट्रेनिंग भी ली। फिर एकांत और शांत वातावरण में ट्रेनिंग करने के लिए इन्होंने एक पहाड़ पर अपना सेटअप बनाया। इनके साथ इनका एक स्टूडेंट भी गया, पर बहुत ही टफ ट्रेनिंग की वजह से वो एक रात चुपचाप वहां से खिसक लिया। ओयामा ने वहां 14 महीनों तक अकेले ट्रेनिंग करी। टोक्यो में वापस आने के बाद इन्हें लगा कि ये जो बनना चाहते थे, जो इनका गोल था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये फिर पहाड़ों में चले गए और इस बार 18 महीनों तक ट्रेनिंग करी। सन 1953 में ओयामा ने टोक्यो में अपना कराटे ट्रेनिंग सेंटर खोला, जिसका नाम था ओयामा डोजो। और सन 1957 में ओयामा ने अपने स्टाइल को एक नया नाम दिया, क्योकुशिनकाई, जिसमें क्योकु का मतलब अल्टीमेट, शिन का मतलब ट्रुथ और काय का मतलब एसोसिएट था। क्योकुशिनकाई यानी द अल्टीमेट ट्रुथ। सन 1960 में इनकी 16 देशों में 72 ब्रांच हो गई थी। सन 1964 में ओयामा ने अपने डोजो को बिल्डिंग में तब्दील करा और तब से वो बिल्डिंग क्योकुशिनकाई के वर्ल्ड हेडक्वार्टर के रूप में जानी जाने लगी। 1964 में ही ओयामा ने इंटरनेशनल कराटे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी। 26 अप्रैल 1994 70 साल की उम्र में ही ओयामा का देहांत हो गया। ओयामा ने अपने करियर में कई अलग अलग देशों की आर्म फोर्सेस को ट्रेनिंग दी, कई अलग अलग देशों में डेमोन्स्ट्रेशन दिए। ओयामा ने 80 से ज्यादा बुक्स लिखी, जिसमें से व्हाट इज कराटे और दिस इज कराटे को कराटे की बाइबल भी कहा जाता है। ओयामा ने 100 मैन कमिटी में भी पार्टिसिपेट करा। इसमें चैलेंजर्स को एक ही दिन में बिना रेस्ट के लगातार एक के बाद एक 100 फाइटर्स से फाइट करनी होती है। इसमें कोई पैड या गार्ड नहीं होता और फुल कॉन्टेक्ट फाइट होती है। और ओयामा ने ये एक बार नहीं बल्कि लगातार 3 दिन में 3 बार 100 मैन कुमिते चैलेंज को पूरा करा। और ऐसा कहा जाता है कि ओयामा ने चौथे दिन भी 100 मैन कुमिते के लिए चैलेंज करा, पर किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। ओयामा की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ओयामा अपने डेमोन्स्ट्रेशन में बुल से फाइट किया करते थे। जी हां, सांड से। इन्होंने अपने करियर में 47 या 52 सांडों से फाइट करी, जिसमें से 4 की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई। एक डेमोन्स्ट्रेशन में 450 किलो के सांड से फाइट कर रहे थे और एक ही चौप में इन्होंने उस सांड का सींग उखाड़ दिया। ओयामा के इसी तरह के कारनामों की वजह से इन्हें गॉड हैंड का नाम मिला। वैसे इस बात पर विरोधाभास भी है। कुछ लोगों का कहना था कि वो बुल्स रिग्ड थे, यानी डेमोन्स्ट्रेशन से पहले उनका सींग हथौड़े मारकर पहले ही ढीला कर दिया जाता था, सांड को कमजोर कर दिया जाता था, फिर ओयामा उनसे फाइट किया करते थे। खैर, जो भी हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बात से सीखें, प्रेरणा लें, खुद को ताकतवर बनाएं, पर अपनी ताकत आजमाने के लिए ऐसा कुछ ना करें। बेवजह किसी जानवर या किसी इंसान को परेशान ना करें। ताकत आत्मरक्षा और दूसरों की मदद करने के लिए है, ना कि बेवजह किसी को परेशान करने के लिए। तो कमजोरों की मदद करिए, और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां।